राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने मोदी उपनाम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अर्जी पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार से जवाब मांगा। भगवान शिव के प्रिय सावन के महीने में शिव भक्तों को बड़ी खुशखबरी मिली है। शिवधाम यानी कैलाश पर्वत पर स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर। कैलाश पर्वत पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के लिपुलेख में रास्ता तैयार हो रहा है, जिसे जल्द शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा पार्टी के कई अन्य नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वस्थ सुखी एवं चिरायु जीवन की कामना की। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12:15 पर दिन भर के लिए स्थगित हो गई। विपक्षी दल लगातार हिंसा को लेकर चर्चा की मांग करते रहे। इन सबके बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार तमाम मामलों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद चलने नहीं देना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की मौजूदगी में भारत और श्रीलंका के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर। दोनों नेताओं की ओर से एक संयुक्त प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अमर्यादित और अपमानजनक आचरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायकों को निलंबित किए जाने के विरोध में भाजपा और जनता दल ने दूसरे दिन भी सदन की कार्यवाही से बहिष्कार किया। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के शासन में बेरोजगारी दर 3 गुना बढ़ गई है और इस भयावह स्थिति के लिए मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। मणिपुर के वायरल वीडियो को लेकर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और भाजपा पर निशाना साधा। विपक्षी एकता की बैठक के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के निशाने पर हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से उन पर प्रहार किया है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।